बंगाल के बाद वाराणसी में भव्य रूप में दुर्गा पूजा का आयोजन होता है और इस बार वाराणसी नगर निगम की तरफ से भी विशेष तैयारी की गई है। हमारे साथ वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी जी जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। वर्जी, इस बार क्या कुछ तैयारियां हैं? कहा जा रहा है कि श्रद्धालु हो या फिर स्वच्छता अभियान हो, ऐसी मुहिम के माध्यम से खास बनाया जाएगा इस बार दुर्गा पूजा। देखिए, अभी पहली बार नगर निगम ने जितने पूजा काशी की जितनी पूजा कमेटियां हैं उनके साथ अभी एक हफ्ता पहले हम लोगों ने बैठक किया था और निर्धारण ये हुआ कि नगर निगम आपको 24 घंटा सफाई कर्मचारी देगा। हमारे जितने जोन में, हमारे 8 जोन पूरे काशी में है, 8 जोनों में शहर बटा हुआ है नगर निगम के अनुसार, उसमें हमारे सभी जोनल अधिकारियों को हम लोग बैठाए थे। हमने कहा कि इस जोन में ये हमारे अधिकारी, इनका नंबर नोट करिए और हमारी केवल आपसे यही अपेक्षा है कि स्वच्छ काशी सुंदर काशी को जरूर ध्यान रखा जाए। एक होर्डिंग आप जरूर लगाइए स्वच्छ काशी सुंदर काशी का, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और स्वच्छता का संदेश उन्होंने काशी से दिया था जी। और ये भी हम लोगों ने पहले जो स्वच्छ सबसे अच्छा स्वच्छ पंडाल रहेगा नगर निगम की तरफ से 10,000 रुपया हम लोग उसको उस पंडाल को हम लोग पुरस्कृत करेंगे जी। अब एक बात और कही जा रही है कि चाहे इस बार का जो दुर्गा पूजा का आयोजन होगा लाखों भीड़ उमड़ती हर साल इस बार भी होगा, तो स्वच्छता मुहिम में प्रधानमंत्री जी की और सीएम साहब की फोटो की तस्वीरें भी दिखेगी क्या? इसको गलत रूप से ले लिया गया था। हम लोग जो लिए कहते स्वच्छ काशी सुंदर काशी का आप एक होर्डिंग जरूर लगाइए, क्योंकि कोई ऐसा परिवार नहीं है, मेरा अपना मानना है, जो अपने अपने निकट जहाँ पूजा पंडाल रखा जाता है वो परिवार सहित माता का दर्शन करने ना जाता। अगर स्वच्छ काशी सुंदर काशी का जो हम नारा देंगे, क्योंकि शहर मेरा, तो शहर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है और पूजा पंडालों के माध्यम से ये बहुत अच्छा हम संदेश दे सकते हैं। उसी में किसी पूजा आयोजक ने किसी आयोजक का हम लोग मोदी जी योगी जी का फोटो लगा सकते हैं क्या? देखा, मेरा विषय नहीं है, ये आपके श्रद्धा का विषय है। आप लगाना चाहेंगे तो आप लगा सकते हैं, स्वतंत्र है, लेकिन मेरा विषय केवल स्वच्छता होना चाहिए, वो पंडाल स्वच्छ होना चाहिए, अगल बगल की स्वच्छता होनी चाहिए और नगर निगम स्वयं उसमें इन्वॉल्व होकर कार्यक्रम करवा। एक अंतिम सवाल मेयर साहब, 9 सालों में काशी की तस्वीर बहुत बदली है, आपका भी ये प्रथम कार्यकाल है, लगातार आप हर चीजों को स्पेशली मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि काशी में वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, बनारस में चुनौतियाँ जो भी होगी उसको तो हम लोग मिलकर उसका समाधान करेंगे, लेकिन आज सबसे बड़ी चीज ये है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने के सहयोग से जो काशी में 1.5 लाख पर्यटक पर डे आते हैं, उस पर्यटकों को जब वो काशी आए तो उनको महसूस हो तो काशी अच्छा शहर है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, उनका व्यवहार अच्छा है, कोई भी जब जाता है उस शहर की यादें लेकर जाता है। ये हमारे आपके व्यवहार पर निर्भर करेगा वो तो पर्यटक कैसा व्यवहार लेके जाता है, व्यवहार अच्छा रहेगा एक बार नहीं दो बार आएगा, 10 लोगों से चर्चा करेगा, स्वच्छ काशी रहेगा तो चर्चा करेगा शहर स्वच्छ है। और बनारस हमें लगता है पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक विकास करने वाला शहर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। तो इस बार वाराणसी में आयोजित होने वाली दुर्गा पूजा में श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ साथ आम जन के भी बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।